बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं जनाब, ये तो फिर आ गया इनका सियालकोट से कट्टा जो इनका था, जिसको नमूनिया मैं समझता हूँ है और मैंने इलाज बताया। अभी देखते हैं कि क्या उनका अभी वॉइस मैसेज आया है। माशाल्लाह। और मुझे मैं दोबारा भी ये लगाकर ना आपको बताऊंगा इसकी कंडीशन मजीद, इसमें क्या बेहतरी वैसे आगे दो दिन ये दवाई आपको बताई है मैंने इस्तेमाल की है, इसका कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला, वो उसकी कंडीशन डाउन ही हुई है। अब मेरा जो मशवरा है, जो मैंने दवाइयाँ दी हैं उन पे अमल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं चूका हूँ इस चीज़ से कि आपने कहा कि जबड़े नहीं खुल रहे, इसको देखें डॉक्टर से मशवरा करके टैटनस के भी इंजेक्शन लगाएं, टैटनस का ये देख लें, कहीं खुदा ना खास्ता टैटनस तो नहीं हो गया साथ ही, ये भी देखें। और ताकत के लिए आपने कहा वो एमीवाई कॉम ठीक है, उसका लगाएं, मैं और कोई नहीं बताना चाहता, जो आपको डॉक्टर दे रहे हैं एमीवाई कॉम बहुत अच्छा है, उस वो ही लगाएं, ठीक है। जो और डोज जो है ना ज़्यादा ना कम हो, डोज नहीं ज़्यादा करनी और ना ही कम, ये ज़रा बॉडी वेट के हिसाब से जो रिकमेंड की जाती है वो दिया करें। और मुझे खुशी हुई है कि आप मरे कॉलेज के पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं माशाल्लाह, लेकिन आप जिस तरह लहजे में बात कर रहे थे ना, मैं बोल रहा डियां दा, तो इस तरह का थोड़ा सा लहजे, मेरी जान आप अगर पढ़े लिखे हैं तो उर्दू में बात कर लिया करें, क्योंकि सारी दुनिया आपका प्रोग्राम देख रही है और ये आपकी आवाज़ सुन रही है। और मैं चूँकि ज़्यादातर लोगों को मैं मशवरे जो हैं उर्दू में दे रहा हूँ, पहले मैं कर देता था पंजाबी में ही जवाब देता था, लेकिन अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब खुदा के लिए उर्दू में किया करें ताकि हम लोग समझें, इंडिया में भी लोग वो समझते हैं, और इसी तरह हर एक की पंजाबी तो नहीं ना ज़बान होती, अब उनको डेंगे ही नहीं पता होता। आपने तो कहा ना मैं सियालकोट तो बोल दिया, पता नहीं इस तरह की बात की, तो ये हम लोग तो समझ जाते हैं ना, लोग नहीं सम दूसरे उर्दू स्पीकिंग तो नहीं समझते ना। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस हदीस मुबारक पर, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। यह हदीस मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुरूद हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी उनका नाम आए दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दुआओं में याद रखें फ़ीमान अल्लाह।